तो जनाब देखिए, इंसान की जो पहचान होती है ना, जो उसका सिग्नेचर होता है, या तो उसके कपड़ों से होता है या उसकी पर्सनालिटी से, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ वो रहता है, और वही उसका सिग्नेचर होता है, वही उसका क्या कहते हैं जी, मतलब उसका स्टाइल उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए सिग्नेचर ग्लोबल के आज इस मेगा इवेंट में मैं आपका लाइफ कोच राहुल माकिन मौजूद हूँ। वेस्टर्न होटल गुड़गांव में आज हैं हम, और क्यों हैं इस बारे में बेहतर रहेगा कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं उन्हीं से बात की जाए इस वक्त। चलिए जी, आपने ये तो देख लिया कि मैं हूँ, यहाँ मेरे पीछे लिखा है चैंपियंस 2021। इसका क्या मतलब है ये भी इन्हीं से पूछे कि मेरे साथ मिस्टर प्रदीप अग्रवाल हैं, हु इज़ द चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल। अब ये क्या हिसाब किताब हो रहा है आज यहाँ पे, आइए इन्हीं से जानते हैं, आ जाओ जी। सो वी हैव मिस्टर प्रदीप अग्रवाल विद अस। हेलो हेलो राव, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, थैंक यू। सर आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही होगी, याद है आपको कुछ महीने पहले आपसे मिले थे जब सिग्नेचर सुपरबिया लॉन्च हो रहा था गुड़गांव में, एंड बिल्कुल एकदम प्राइम लोकेशन, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैंने एक दो हफ्ते प्रॉपर रिसर्च की और जो जो बातें आपने कही थी ना मेरे दिमाग में से छप गई थी। और सिग्नेचर सुपरबिया के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई थी, एंड मैंने आई थिंक 15-20 दिन अच्छे से रिसर्च की और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बुक कर ली। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड अब मैंने सुना कि एक और नई बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी आप लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं ये मौका जो है ना वो छोड़ ही नहीं सकता था। सो नाइस। तो प्रदीप सर अब बैठ के बात करते हैं क्योंकि बातें थोड़ी लंबी चलने वाली हैं। यस यस यस, व्हाई नॉट। तो आज चाय पे चर्चा होगी। तो चेयरमैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल के। तो सर सबसे पहले यहाँ पे ना मैंने एक बैकड्रॉप देखा, यहाँ पे लिखा था चैंपियंस 2021। यस। और मैंने बाहर देखा लाल रिबन वाली बड़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बहुत लग्जरी कार्स खड़ी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सीन क्या है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, देखिए जो चैनल पार्टनर्स हैं वो हमारी टीम का एक अहम हिस्सा होते हैं। आज जब तो आप ये चैनल पार्टनर्स किन्हें कहते हैं? चैनल पार्टनर्स जो भी हमारे कस्टमर्स तक हमारी जो योजनाएं हैं या जैसे हम जिन प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उन तक पहुंचाते हैं, उनको कंपैरिजन बताते हैं कि अदर जो डेवलपर्स हैं और सिग्नेचर ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। तो पहले वाली लैंग्वेज में हम उसे ब्रोकर या डीलर कह सकते हैं, लेकिन नेचुरली बात है कि आज जो चैनल पार्टनर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल हो चुका है। आज जब लॉकडाउन में सब लोग जब अपने अपने घरों में बंद थे, तो उन्होंने कैसे लोगों को वर्चुअल टूर्स कराए हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, जो और डेवलपर्स हैं उनके कंपैरिजन बताए हैं कि इस प्रॉपर्टी को बाय करने से क्या होगा, उन लोकेशंस के बेनिफिट बताए हैं कि इस लोकेशन के ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होने के जो चांसेज है वो कितने ज़्यादा हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कम्यूट करने के लिए जो चैनल पार्टनर है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। और नेचुरली जो कस्टमर है वो टाइम टू टाइम, दिन में एक बार दो बार, या अगर उसे विजिट करनी है तो चैनल पार्टनर उसके पास सबसे अच्छा माध्यम होते हैं। तो इसीलिए आज जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में सिग्नेचर ग्लोबल के साथ काम किया है, उन लोगों को आज हम यहाँ अवार्ड देने वाले हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट करने वाले हैं, ताकि उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो और बढ़ जाए। क्या बात है। एंड आई जस्ट सॉ कि बहुत लग्जरी कार्स यहाँ पे खड़ी हैं जो इन्हीं चैनल पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, जिन्होंने आई वोंट से टारगेट अचीव किए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके सपनों का घर दिलवाया है। बिकॉज जब मैं देखने गया था, मैंने सिग्नेचर सुपरबिया देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने 15 दिन में ख़रीद भी लिया। एंड आज जैसे मुझे पता चला है कि एक और प्रॉपर्टी आप सर लॉन्च कर रहे हैं 37D में, इस प्रॉपर्टी के बारे में, इसका नाम और इसके बारे में इसके सभी जो विश्लेषण सारे आप आराम से कीजिए, मुझे बताइए क्या क्या है। बिल्कुल, सेक्टर 37D में आज जब जिस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D। सबसे पहले तो ये दीनदयाल जनावास योजना का पहला गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है। इससे पहले किसी भी डेवलपर ने इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा कि अभी
प्रधानमंत्री जी ने पीछे अपनी प्रेस कोर्ट में कहा था कि 2022 तक हम इसे डिलीवर करने वाले हैं। तो ऐसे में चाहे वहाँ रहने वाले लोग हों, चाहे वहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले कस्टमर्स हों, उन सब के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि आप जानते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल क्वालिटी को लेकर और एमिनिटीज़ को लेकर एक नाम जाना जाता है, तो हमने पूरी कोशिश की है वहाँ पे कि हर वो बेहतर सुविधा उस सोसाइटी में दी जा सके, जिसमें चाहे स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, ग्रीनरी हो, या लगभग 25 के नियर अबाउट ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो सोसाइटी के अंदर दी गई हैं, जो आपकी जो लाइफ है उसको इनहांस करती हैं। सो आज जो हमारा एक लाइन है इसके अंदर की लाइफ एट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, उसका मेन मोटो यही है कि आपकी जो लाइफ है उसको इनहांस करना है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी का आज यहाँ पे ऑफिशियल लॉन्च है, और ऑफकोर्स आज वक्त ऐसा है कि जो भी इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाला है या करता है या सोच रहा है करने को, वो 10-15 लोगों से पहले पूछता है, फिर बहुत सारी इंटरनेट पे रिसर्च करता है। बट एक चीज़ है विच आई कैन गारंटी यू इज़, जब आप सिग्नेचर में, सिग्नेचर ग्लोबल में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो एक चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है वो है टाइम पर डिलीवरी। अगर ये प्रॉमिस करते हैं तो उसी वक्त उसी टाइम पे डिलीवर करते हैं। एंड द सेकंड बेस्ट पार्ट इज़ कि जो ये ऑन पेपर्स प्रॉमिस करते हैं वो आपको मिलता भी है, एंड मैं इसका साक्षात गवाह हूँ। तो सर, अभी हम 37D की बात करते हैं, आपका जो नया प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D, इसमें आपने बहुत सारी इम्यूनिटीज़ के बारे में बताया कि ये लॉन्च होने वाली हैं। अब ये बताइए कि अगर हम अभी इस ऑफ़र को अवेल करते हैं, हम अभी अगर बुकिंग करवाते हैं, तो क्या क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं, हमें क्या क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर हम अभी आज ही बुक करते हैं या आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऑफ़र्स तो एडिशनल चल ही रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप जब कंपैरिजन करें अदर डेवलपर से कि वहाँ क्या इस रेट के ऊपर इस साइज़ की कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो आपको लगेगा कि लगभग 25% ऑलरेडी जो प्राइजेज हमने हैं वो ऑलरेडी कम रखे हैं। सो हमारा मेन मोटो है लोगों को अफोर्डेबल घर देना। अब हमने इसमें कुछ नया ऐड किया है कि अफोर्डेबल लग्जरी देना। तो कहीं ना कहीं हमने, क्योंकि प्राइस पॉइंट हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है कि आज जब कोविड की वजह से लोगों की इनकम के ऊपर इशू आया है, कहीं ना कहीं जॉब लॉस हुआ है, तो जो प्राइजेज हैं उनको ऐसा ना किया जाए जिससे उनकी लिमिट से बाहर हो, और वो चीज़ हमने कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस की है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा 61 लाख रुपए से शुरू होता है, इट्स ए 2BHK अपार्टमेंट, और जो सबसे टॉप अपार्टमेंट है वो लगभग 1440 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 3BHK बड़े बिग साइजेस रूम हैं, लिविंग रूम है, प्लस पूजा रूम है, प्लस बिगर बालकनीज हैं, नीचे जो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अलग से स्पेस दिया गया है, टेरेस गार्डन दिए गए हैं। तो मुझे लगता है एक पूरा टोटल कंप्लीट जिसे सॉल्यूशन कह सकते हैं वो उस बिल्डिंग में हमने दिया है, और साथ में जो बिल्डिंग है इसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उनकी जो लिफ्ट है वो सेपरेट लिफ्ट है अपनी, तो चारों यूनिट्स को एक ही लिफ्ट सर्व कर रही है। तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। सुपर, तो जैसे आपने सुना कि ये टर्म यहाँ पे हमने कॉइन की है अफोर्डेबल लग्जरी, तो लग्जरी एक्चुअली एक वो चीज़ है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट सिग्नेचर ग्लोबल का फ़ायदा ये है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो लग्जरी आपको मिलती है ये अफोर्डेबल लग्जरी है। जी हाँ, तो इतने कम रेट पर, एंड वो भी 37 सेक्टर गुड़गांव में, मुझे नहीं लगता आपको और कहीं इतनी प्यारी अम्यूनिटीज़, जैसे सर ने कहा कि 25-30 अम्यूनिटीज़ आपको मिलेंगी, वो सब अम्यूनिटीज़ आपको मिल रही हैं, एंड दैट टू जो कि स्टार्टिंग 61-62 से हो रही है। अमेजिंग सर, एक और चीज़ जिसके बारे में मुझे पता चला कि अनवेलिंग कर रहे हैं आप सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 गुड़गांव, तो उसके बारे में भी अगर हल्का सा आप बताते चले। बिल्कुल, सेक्टर 92 जो है वो न्यू गुरुग्राम में है, और जैसे हर सेक्टर की एक अपनी खूबसूरती है, उस प्रोजेक्ट के आसपास भी बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स के जो बिगर्स नेम हैं, जो आप गुरुग्राम के आज की डेट में जो फर्स्ट रो के जो डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसा कि प्राइस पॉइंट हमारे लिए कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा रहा कि हम किस तरीके से उनके प्राइजेस को कम कर पाएँ,
तो जो लोग 37D के जो प्राइजेज हैं उनको अगर लगता है कि वो प्राइजेज ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हमने 92 में प्राइजेस को और कम रखा। अरे वाह, यस, क्या बात है। तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस है वो कितना होने वाला? वो मैं आपको जब रिवील होगा तभी बता पाऊंगा। ये सर ने भी थोड़ा सा सीक्रेट रखा है, बट एक चीज़, एक सीक्रेट तो जो रिवील हो चुका है आज, वेस्टर्न होटल गुड़गांव में बहुत सारे अचीवर्स घर बहुत सारी खुशियां लेके जाएंगे, उन्हें बहुत सारी कार्स वार्स मिलने वाली हैं, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है गेटिंग देयर ड्रीम होम्स। और जैसे मैंने प्रदीप सर से बात करते करते आपसे भी कह रहा था कि यू नो, हर एक इंसान का ना जो सिग्नेचर होता है वो या तो उसके कपड़े होते हैं या उसकी पर्सनैलिटी होती है या उसका घर होता है। तो जब भी आप एक इंसान के घर के अंदर घुसते हैं ना, आपको समझ आता है ये बंदा कैसा है। तो दैट इज़ वाई मे बी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने बहुत सोच समझ के सिग्नेचर ग्लोबल रखा है, ताकि वंस यू एंटर अ पर्सन होम आपको पता चल जाए यार ये सिग्नेचर का सिग्नेचर एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं इसमें और एडिशन करना चाहूँगा कि हमने इस जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर फुल्ली लोडेड कॉन्सेप्ट किया है। इट मीन्स जो पूरी बिल्डिंग है इट्स फुल्ली एयर कंडीशन विद मॉड्यूलर किचन। एवरी यूनिट, हर यूनिट के अंदर एक मॉड्यूलर किचन लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि आज जिस कस्टमर को आप जो क्वालिटी देना चाहते हैं, आज वो जब खुद बाय करना चाहते हैं तो उन क्वालिटी को प्रिक्योर नहीं कर पाते हैं, हमें वो बल्क में बाय करना होता है। तो मुझे लगता है हमने पूरी कोशिश की है कि एक पर्सन जब उस घर में आए तो उसको वहाँ ऐसा लगना चाहिए कि जिस भी जगह में रहता था उससे फार 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 बेटर है। जाते जाते अब आखिरी सवाल जो मेरा पर्सनल सवाल है सर, देखिए मैंने सबर्बिया में तो मैंने ले लिया था, वहाँ इन्वेस्ट मैंने कर लिया था, बट वहाँ का जो मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस था वो ये था कि मैं आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। बट अब अगर आप मुझे देखते हुए आप मुझे अपने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड करेंगे, अगर मुझे कल को रहना हो वहाँ पे, तो विल इट बी 37D या विल इट बी 92? देखिए ऑफ कोर्स हमारा पहला प्रोजेक्ट 37D था, तो हमेशा जब आपका जैसे पहला बच्चा होता है तो ज़्यादा स्नेह, पहला हमेशा स्नेह उसके ऊपर ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि प्राइस पॉइंट एक इशू है इसलिए 37D फिर भी मेरी लिस्ट में यही रहेगा कि अगर किसी को प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन चाहिए या लॉन्ग टर्म अगर उसका व्यू है तो डेफिनेटली 37D, और अगर प्राइस पॉइंट है तो 92। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अगर वो किसी में भी इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छा पैसा बनाएगा, फ्यूचर में तो आपको फ़ायदा होने ही वाला है। तो अगर प्राइस आपके लिए अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, गो फॉर 37D सिग्नेचर ग्लोबल सीरी। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, देन ऑफ कोर्स आप ग्लोबल सीरी 92 गुड़गांव में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, आज फिर से आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, एंड अब मैं फिर से रिसर्च करूँगा एंड डेफिनेटली 37D विल बी माई ऑप्शन। एंड आज कुछ तो आज वैसे सैटरडे को घर बैठने से अच्छा है मैं यहाँ पे आ गया एंड कुछ अच्छा आपसे सीखने को मिला। एंड सिग्नेचर ग्लोबल, अब मुझे याद है ये नाम, जो कि अब 37D गुड़गांव में अब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो होने वाला है। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और जैसे सर ने कहा कि अब विद कोविड, क्योंकि अब एक चीज़ हो गई है, थोड़ा सा लोगों को लगता है यार कि हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली फिज़िकली नहीं देखना चाहते। प्रदीप सर ने ये भी कहा है कि आपके लिए सारा हमें वर्चुअल टूर अरेंज करवा दिया है, तो आप घर बैठे, जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो फिर टूर फ्रॉम होम भी हो जाएगा, तो आपको आराम से घर बैठे आपका टूर दिया जा सकता है वर्चुअल टूर, और वो सब आपको मिलेगा। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट एनी पर्सन जो कि सिग्नेचर ग्लोबल से रिलेटेड है। सो सर ये कोई वेबसाइट है जहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, सिग्नेचर ग्लोबल की वेबसाइट है www.signatureglobal.in, उसके ऊपर जाकर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, और सोशल मीडिया का जो सिग्नेचर ग्लोबल का पेज है उसके ऊपर भी ये सारी जानकारी है। और कल से आपको TV पे भी कहीं ना कहीं जो एड्स हैं और आपके माध्यम से, क्योंकि रेडियो तो ऑफ कोर्स हर इंसान के कानों में कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे 360 डिग्री जो मीडिया है वो इस वक्त अवेलेबल होगा, किसी भी सोर्स से आप जाएंगे आपको पूरी जानकारी अवेलेबल होगी। तो ये थे मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, और मैं राहुल माकिन फीवर FM से अब चाहता हूँ आपसे इजाज़त। मेरी अगले साल की, इस साल की पूरी इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड है, आप अपने बारे में सोच लीजिए।